प्यारे भाइयों और बहनों, हम धीरे धीरे एक एक दिन पार करते हुए पास्का पर्व के बहुत ही निकट आ पहुँचे हैं। आज हम संत लूकस को सुसमाचार अध्याय 20 पर संख्या 9 से 19वां वचन भाग पर मनन करेंगे। इस सुसमाचार भाग में उल्लेखित दृष्टांत हिंसक असामियों का है। दागबारी के स्वामी ने असामियों को कई मौके दिए सुधरने के लिए, किंतु उन्होंने लोभ और लालच में आकर स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उनके अनेक सेवक और उनके एकलौते पुत्र को भी मार डाला। इसी प्रकार प्रभु येसु हम सभी को भी अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए कई मौके देते हैं। यदि हम अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारी हालत भी उन असामियों की तरह होगी। और इसी सुसमाचार में हमें यह बताता है कि प्रभु येसु कोई एक साधारण पुरुष नहीं थे, किंतु वह एक ईश्वर के पुत्र थे। जिन्होंने प्रभु येसु को स्वीकार करने से इनकार किया, यदि हम भी उसी प्रकार करते हैं तो हमारा आचरण भी उन असामियों की तरह होगी, अथा हमारे कर्मों का हमें लेखा जोखा प्रभु येसु को देना पड़ेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति उसके जिम्मेदारी होंगे। प्रभु येसु आप सभी को आशीष दे। जय येसु।